देखिए बच्चों, पिछले कुछ दिनों से टू थ्री क्वेश्चंस हैव बीन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फ्रॉम मी कि सर मेक अ वीडियो ऑन लास्ट मिनट टिप फॉर इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई। ये पहला ऐसा टाइम हुआ है जबकि ये टेस्ट ऑनलाइन है, तो सबसे पहली टिप तो ये है कि गो थ्रू द वेबसाइट। इसकी आप वेबसाइट पर जाइए, एयरमैन सिलेक्शन CDSE.in, और जब इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको एक फ्री में मॉडल टेस्ट पेपर देने को मिलेगा, राइट। फिजिक्स का, मैथ्स का ये सैम्पल पेपर जब आप पर इस पर क्लिक करेंगे, लॉग इन सक्सेसफुली, आपकी आईडी पर एक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आपको पहले से ही पढ़ के जाना है, राइट। और आपकी जो मार्किंग है वो इस प्रकार से है, कहीं भी इसमें नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं है। एक बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला ये था क्वेरीज में कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, इसमें कहीं नहीं दिया हुआ नेगेटिव मार्किंग के बारे में। और यही इंस्ट्रक्शंस होंगे, सेम सॉफ्टवेयर है जो कि ये एयरफोर्स की साइट पर दे रहे हैं, राइट। ये दोनों के लिए टाइम टेबल है, और इसमें थोड़ा सा इस बार चेंज ये कर दिया है, जैसे ही आप स्टार्ट एग्जामिनेशन करेंगे तो देखिए टॉपिक वाइज एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। यानी कि देखिए फिजिक्स का एग्जाम स्टार्ट हुआ और उसमें टाइम रिमेनिंग इसमें दिखा रहा है 25 मिनट, राइट। यहां पर 25 मिनट दिखा रहा है, सेशन आईडी आपकी लिखी हुई है। अब ये टाइम ऐसा नहीं कि सेकंड्स के हिसाब से, जैसा कि हमारे सॉफ्टवेयर्स में जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं टेस्टिंग के, उनमें सेकंड के हिसाब से टाइम चलता है, यहां पर मिनट के हिसाब से चल रहा है। अभी आप कुछ देर बाद देखेंगे 25 मिनट का 24 मिनट हो जाएगा, फिर 24 का 23 हो जाएगा, यानी कि डिक्रीजिंग वे में आपका समय समाप्त हो जाएगा। अगर आप पहले ही एग्जाम को सबमिट करना चाहते हैं तो सारे क्वेश्चंस को करके देयर इज अ बटन, यहां पर सबमिट का बटन है कि सबमिट एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन को सबमिट कर सकते हैं, अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। ये देखिए 24 को मैंने मार्क किया तो यहां अपने मार्क मार्क हो गया, लेकिन अगर आप इसको रिव्यू के लिए रखना चाहते हैं तो देखिए मार्क फॉर रिव्यू आपने टिक कर दिया। जैसे ही आपका समय खत्म होगा वैसे एग्जाम खुद ब खुद सबमिट हो जाएगा, आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और आप चाहें तो यहां से भी इस एग्जाम को सबमिट कर सकते हैं अगर आपका पहले समाप्त हो चुका है तो, लेकिन एडवाइजेबल ये है आप रीचेक कर लीजिए पहले इनको सबमिट ना, राइट। सारे क्वेश्चंस चूंकि एक साथ आपके सामने होंगे तो एक टेस्ट देके आप ये देख सकते हैं। देखिए अभी 24 मिनट रह गए, इसके बाद 23 मिनट रह जाएंगे, तो इसमें इंडिविजुअल सेक्शंस का पेपर दे रखा है, यानी कि ये 25 मिनट का फिजिक्स का पेपर दिया, उसके बाद आपको मैथमेटिक्स का पेपर दिया जाएगा, उसके बाद आपको इंग्लिश का पेपर दिया जाएगा, यानी कि हर पेपर के बीच में 20-20 मिनट का गैप होगा। पहले क्या होता था, पहले मान लिया आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो इंग्लिश में मान लिया 10 मिनट में आपने पेपर कर लिया, और समय को आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए यूटिलाइज कर लेते थे, लेकिन अभी आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इनके इंडिविजुअल देखिए पेपर दे रखे हैं, रागा का दे रखा है, इंग्लिश का दे रखा है, मैथमेटिक्स का दे रखा है, सारे पेपर्स आप एक बार देके देख लीजिए पहली चीज, जिससे कि आपको इंस्ट्रक्शंस भी नए नहीं लगेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर ये नए इंस्ट्रक्शंस हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिए, एग्जाम स्टार्ट कीजिए और इस एग्जाम को एक बार देके देख लीजिए। यहाँ पर x प्लस y का एग्जाम भी है, x का एग्जाम भी है और y का एग्जाम भी है, तीनों एग्जाम इसमें दे रखे हैं आप, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन है, वही है अगर आप मार्क करते हैं, डी मार्क आपने किया, आप चाहे तो उसको क्लियर भी कर सकते हैं, चाहे तो उसको मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकते हैं। तो पहली चीज, जो एग्जामिनेशन पैटर्न यहां पर दे रखा है, और देखिए रीजनिंग के लिए कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है, 30 क्वेश्चन 30 मिनट के हैं, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पर देखिए 30 मिनट यहां लिख रहा है और आपका टाइम चल रहा है। तो यहां पर जो इंडिविजुअल पेपर है, इस बार बस चेंज ये है, उनके लिए अलग अलग समय दिया गया है, इंग्लिश के बचे हुए समय को आप दूसरे सेक्शन में यूटिलाइज नहीं कर सकते, राइट। अब दूसरा बात आती है कि लास्ट मिनट टिप की। देखिए अब चूंकि एक दो दिन आपके एग्जाम के रह गए हैं, मेमोराइज द ऑलरेडी कवर्ड सिलेबस, जो सिलेबस आपने पहले से कवर कर रखा है उसको ही पक्का करने का काम करिए, मेमोराइज करने का काम करिए। ध्यान रखना, ब्रूस ली एक बहुत अच्छा फाइटर है, उसकी एक कहावत है कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता, उसने हजार तरह के पंच की हजार बार प्रैक्टिस की है, मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जिसने जिसने एक पंच की हजार बार अभ्यास किया है। तो यानी कि जो कुछ आप जानते हैं, एक पंच का अगर आपने हजार बार अभ्यास किया है तो उस व्यक्ति से ब्रूस ली को भी डर लगता है, क्योंकि उसका वो पंच काफी परफेक्ट होगा। लेकिन अगर हजारों पंचों का हजारों बार आपने अभ्यास किया है तो आपसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उतना पुख्ता आपका वो पंच नहीं है। सिमिलरली
जो कुछ आपका टॉपिक कवर है अब तक, एग्जामिनेशन में ध्यान रखना अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को दिखा देना गिवन समय में, यही किसी एग्जाम में जीतने की कला है, किसी एग्जाम में सफल होने का यही तरीका है। तो मेमोराइज द ऑलरेडी कवर्ड सिलेबस, जो आपने सिलेबस कर रखा है उसको ही कवर करिए। डोंट ट्राई टू कवर न्यू टॉपिक्स इन दीज डेज, इन दिनों में अपना कोई नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, राइट? और इन दिनों में बी एज काम एंड कूल एज पॉसिबल, जितना आप शांत रहेंगे, दिमाग को शांत रखेंगे, दिमाग में कोई ऊहापोह नहीं होगी, कोई हलचल नहीं होगी, कोई व्यमनस्ता नहीं रहेगी, उतना ही अच्छा रहेगा। डोंट टेक अननेसेसरीली स्ट्रेस एंड टेंशन। ऐसा होता है कि हम बस में गए, बस वाले से लड़ाई हो गई, बस में गए किसी से हाथापाई हो गई, तो चूंकि आप पेपर देने जा रहे हैं आपका माइंड बिल्कुल कूल रहना चाहिए। अब आपके दिमाग में उन क्वेश्चंस की जगह उस व्यक्ति को मारने की सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि बस में काश मैंने उसमें पंच एक मार दिया होता तो बड़ा रहता, क्योंकि आपके अहंकार पर ठेस लगता है, तो मेरी वाहवाही हो जाती। आपके दिमाग में सारी वही चीज चल रही है, अगर मैं इस लड़के में दो घूंसे मार के आ जाता तो कुछ नहीं होता, भागाता, वहां तो आप कुछ नहीं कर पाए बस में जब लड़ाई हुई। लेकिन अभी आपके दिमाग में जो ऊहापोह चल रही है वो आपके एग्जाम को पूरा खराब कर देगी। तो डोंट टेक अननेसेसरीली स्ट्रेस एंड टेंशन। अगर कोई टेंशन देने का प्रयास करता है तो प्लीज अवॉइड इट फॉर 2 or 3 days। आप इसको 2-3 दिन के लिए अवॉइड कर दीजिए। हमारी जिससे दुश्मनी होती है ना, हम जितना भगवान को ध्यान नहीं करते वो जरूर ध्यान में आ जाता है। ये हमारे माइंड की एक उपज है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। टेक प्रॉपर फूड एंड स्लीप वेल बिफोर द एग्जाम नाइट। ढंग से खाना खाएं, संतुलित भोजन खाएं, ज्यादा भी ना खाएं, और आराम से पूरी नींद लें। स्ट्रेस और टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना पढ़ चुकना था आप पढ़ चुके। एयरफोर्स ने और 2 महीने टेस्ट लेट करके आपको इतना समय दिया है, मार्च में कंडक्ट होने वाला, मई में कंडक्ट एग्जाम हो रहा है, तो एयरफोर्स ऑलरेडी तुम्हें 2 महीने दे चुका है, तो अभी 2-3 दिन में कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर से आप अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं आपको सलाह देता हूं, टेक प्रॉपर एंड बैलेंस्ड डाइट एंड स्लीप वेल बिफोर द एग्जाम, क्योंकि स्लीप है वही दिमाग में, दिमाग से ही तो आपको जीतनी है लड़ाई। तो दिमाग का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए पूरी नींद करना बहुत आवश्यक है। अगर आप 2 दिन ना सोएं तो पागल भी हो सकते हैं, तो नींद बहुत जरूरी है। अगली मेरी टिप है, ट्राई टू मग अप ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ द होल सिलेबस। जो आपने कवर किया है उसके सारे फॉर्मूलाज को एक बार हल्के से रिवाइज कर जाइए। नया क्या कर सकते हैं, लर्न एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये चाहे तो आप नए याद कर सकते हैं, राइट? इसमें कोई दिक्कत नहीं। कवर ऑल द बेसिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने कहा साउंड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके अलावा मैंने कहा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, रिलेशंस, ट्रिग्नोमेट्री 2D 3D, जिसमें स्ट्रेट लाइंस, हाइपरबोला, पैराबोला सब आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, APGP, मैट्रिक डिटरमिनेंट, लिमिट, डिफरेंशिएशन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सिमिलरली ये फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिमिलरली ये इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनको कि आपको देख के जाना है। ये आप फिजिक्स के टॉपिक नोट कर लीजिए, इनका बेसिक जरूर आना चाहिए आपको। हाई फाई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि 1 मिनट में हाई फाई क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी मैंने आपको लिस्ट दी हुई है, आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर जाइए। तीसरा, सी द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड अटेम्प्ट फ्री मॉक टेस्ट। ये बहुत एसेंशियल है, जो मैंने आपको बताया, जो फ्री मॉक टेस्ट इस वेबसाइट पर दे रखा है इसको अटेम्प्ट करिए। पेपर में जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं। ट्राई ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, आप ऑप्शन से ट्राई करके देखिए कि कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते, राइट? टेक द नेगेटिव अप्रोच, मेंटल कैलकुलेशंस, ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स टू मेंटेन स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन रहे उसके लिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का भी सहारा लेना है, ट्रिक्स का, शॉर्टकट्स का, मेंटल कैलकुलेशन का भी आपको सहारा लेना है। डोंट स्टक टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पर अपना जोर नहीं अजमाना है। अगर 1 मिनट का समय मिला है, अगर 1 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन पर हो गया है, 1.5 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन पर हो गया है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए।
और ऐसे क्वेश्चंस को ना पकड़े उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय टेक अ राउंड राउंड अप ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन 1-2 or 2 मिनट। एक दो मिनट में सारे क्वेश्चंस का आप राउंड अप कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस को आप पहले एक मिनट में देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से को आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, तो आप आंसर टिक करके बढ़ जाइए, राइट। नेक्स्ट, एवरी क्वेश्चन कंटेन्स द सेम मार्क। हर एक क्वेश्चन के सेम मार्क होते हैं, एक ही मार्क हर एक का मिलना है, तो ऐसा नहीं है कि साहब आप इंट्रीगेशन से ही जंग जीतोगे। अलजेब्रा का सही कर देंगे उस पर भी उतना ही मार्क्स मिलेगा, टिक्नोमेट्री का कर देंगे उस पर भी उतना मार्क्स मिलेगा। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं सबसे पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, मैक्सिमाइज स्कोर करने की कोशिश करो। वीक एरियाज को बिल्कुल अभी टच मत करो, जो वीकेस्ट पोर्शन है उसको टच मत करो। अगर समय बचता है, सारे क्वेश्चंस हो गए, तब उस पर आप जोर अजमाइश करो, तब उस पर आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से तुक्का भी लगा सकते हैं, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग है। अगला, अभी नेगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र नहीं है इंस्ट्रक्शंस में भी। इट इज नॉट अबाउट अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस, इट्स अबाउट अटेम्प्टिंग मैक्सिमम क्वेश्चंस इन द शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, लेकिन जितने क्वेश्चन मैक्सिमम आप कम से कम समय में कर सकें, कॉम्पिटिशन में जीतने की केवल यही परिभाषा है, यही मूल मंत्र है। डू योर बेस्ट, जो अपना बेस्ट आप कर सके, अपना बेस्ट का मतलब जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उन पर कॉन्सेंट्रेट करें। डोंट ट्राई टू कॉपी और चीट, बिलीव इन योरसेल्फ। केवल आपका दिमागी कैलकुलेशन, केवल आपकी इंटेलिजेंसी ही आपको सफलता दिलाएगी, चीटिंग नहीं। और चीटिंग में ध्यान रखना, हमें अपने से ज्यादा, होशियार से होशियार बच्चा होगा उसको अपने से ज्यादा पड़ोसी पर ज्यादा भरोसा रहता है। अगर आपके पड़ोसी ने कहा सर ए नहीं बी आंसर है, तो आपने अगर ए टिक किया है तो आप बी पक्का टिक कर गए, ऐसा होता है। हमें दूसरे पर ज्यादा भरोसा होता है एग्जाम हॉल, ऐसा कई बच्चों का देखा गया है। तो बिलीव इन योरसेल्फ, डोंट ट्राई टू कॉपी और चीट। एयरफोर्स में जो सिलेक्शन है बिल्कुल फेयर है, सो डोंट गेट बीफूल्ड बाय सम एजेंट्स और दल्लाल। जो दलाल और दल्लाल एयरफोर्स में आपको लगाने की, जॉब देने की गारंटी देते हैं, उनके चक्कर में नहीं आए। बी हेल्दी, टेक बैलेंस्ड फूड, अ हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड इनसाइड इट। डोंट इंडल्स योरसेल्फ इन द कॉन्ट्रोवर्सीज। इन 2-3 दिनों में आप अपने दिमाग को कहीं इधर उधर न लगाएं, क्योंकि इधर उधर लगेगा तो वही चीजें आपके दिमाग का पोर्शन ऑक्यूपाई करेंगी और वो आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑल द बेस्ट फॉर द सेम। कोई क्वेरी है तो आप मुझे बताइए, मैं उसका आपको जवाब दूंगा, राइट। और आपको समय पर पहुंचना है, समय से पहले ही पहुंच जाइए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्रॉपर नींद लेके पहुंचिए, प्रॉपर डाइट लेके पहुंचिए, राइट। ओके।